मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि मौशिक मतअमली के बगैर 12,000 अरब कर्ज लेना कौम से संगीन गद्दारी और जुल्म है। मईशत की बेहतरी के लिए हंगामी इकदाम उठाने की जरूरत है। शहबाज शरीफ ने निजी शोबे की जानिब से कर्ज लेने में कमी पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि निजी शोबे के कर्ज लेने में 70% कमी पाकिस्तानी मईशत का 9/11 है। रवा माली साल के 7 माह की यह सूरत हाल मुआशी तबाही और बर्बादी की रिहाई है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट हुकूमती मुआशी दावों को झूठ साबित कर रही है। शहबाज शरीफ का कहना था कि निजी शोबे का बैंकों से कर्ज न लेना सबूत है कि मुल्क में मईशत का पहिया रुक चुका है। 13.25% की बुलंद तरीन शरह सूद पर फैक्ट्री और कारखाने तो दूर रेड़ी भी नहीं लग सकती। बिजली गैस की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा और 15% महंगाई मईशत के लिए कोरोना वायरस की तरह मोहलिक है। नून कहते हैं कि मौशी हिकमत अमली सोचे बगैर 12,000 अरब कर्ज लेना कौम से संगीन गद्दारी और जुल्म है। करप्शन और चोरी में इजाफा नाअहली और नालायकी मौशी तबाही की आग पर तेल का काम कर रही है। मईशत कोमे में है और हंगामी इकदाम ना हुए तो मरीज का जिंदा बचना भी मुश्किल हो जाएगा।